गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज मैं आपको पेंसिल बॉक्स बनाना बता रही हूँ। ठीक है, तो आपके लिए क्या करना होगा, सबसे पहले आपको एक A4 शीट का पेपर लेना होगा और पेपर लेके आप कलरफुल आप कोई भी पेपर ले सकते हैं। ठीक है, तो आपको टू कलर की हेल्प की जरूरत होगी इसमें। तो आप एक येलो पेपर मैंने यूज किया है, एक ब्लू पेपर, लेकिन यदि ब्लू पेपर आप ले रहे हैं तो आपको 1 इंच उसको छोटा लेना होगा, येलो पेपर से ब्लू पेपर छोटा होगा और इस पर हमको उसको पेस्ट भी करना है। ठीक है, जैसे कि मैंने भी ब्लू पेपर लिया है और इससे इसको देखिए इस तरह से मैं देखूंगी तो आपका ये पेपर देखिए छोटा है ना, इस पेपर से देखिए इस तरह। ओके, तो आपको ऐसे ही आपको लेना है पेपर को, तो दोनों पेपर की हेल्प से हम पेंसिल बॉक्स बनाएंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग अब पेस्ट कर देंगे। ओके, देखिए इस तरह हमने इसको पेस्ट कर लिया है, आप लोगों ने पेस्ट कर लिया होगा। इसके बाद हमें क्या करना है, इसको 3 पार्ट में आपको डिवाइड करना है। ठीक है, तो हम इसको डिवाइड कैसे करेंगे, हम एक स्केल की हेल्प से इसको बराबर बराबर देखेंगे अपना ब्लू पेपर हमारा कितना है और उसके 3 पार्ट में उसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो स्केल से आप इस तरह से लाइन खींच लेंगे और लाइन खींचने के बाद थोड़ा सा डॉट्स लगा लेंगे पहले, फिर इसके बाद उसकी लाइन आप खींच लेंगे। तो 3 पार्ट में आपने डिवाइड कर लिया, जब 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा तो आप इसको फिर फोल्ड भी करेंगे इस तरह से। ठीक है, ये देखिए, इसके बाद आपका थोड़ा सा पेपर यहाँ पर कम होगा, दिखाई दे रहा है सभी को, देखिए मैम ने यहाँ पर इतनी जगह छोड़ रखी है स्पेस। ठीक है, इसके बाद हम इसको ओपन करेंगे और आपका 3 पार्ट में डिवाइड ये हो गया है। अब हमें क्या बनाना है, अब हमें इसमें पेंसिल लगाने का स्टैंड बनाना है। इसमें देखिए आपको स्टैंड बनाना है, क्योंकि पेंसिल किस में लगाएंगे हम लोग, तो पहले हम इधर पर पेंसिल को इस तरह से यहाँ तक एक बार फोल्ड करेंगे। बकाया आपका जो है उसमें आपको क्या करना है, फेविकॉल लगाना है। ठीक है, फेविकॉल लगा के आपको इसमें क्या करना है, इस तरह से आपको इसको रैप करना है। ठीक है, ये देखिए आपने रैप कर दिया है। इसी तरह से आपको 6 बनाना है। ठीक है, देखिए ये बन गया है, इस तरह से आपको 6 बनाना है। आप यहाँ पे 6 रेडी कर लीजिए, 6 बना लिए, ये देखिए मैंने 6 बना लिए। ठीक है, इस तरह से आप लोग भी बना लेंगे और थोड़ा थोड़ा सा ग्लू लगा के आप इसको रेडी करेंगे। ओके, तो कैसे लगाना है हमें ग्लू, इसमें हमें इस तरह से थोड़ा सा ग्लू इस तरह से लगाना है और हमें पेस्ट करना है। ठीक है, इसलिए देखिए मैंने इस तरह से ये 6 लिए थे, मैंने फेविकॉल की हेल्प से इस तरह से लगा दिए हैं, लेकिन एक साथ आपका लगा होना चाहिए। ठीक है, इसलिए क्योंकि मैं पेंसिल रखूंगी और पेंसिल रख के आपको दिखाती हूँ कि हमें इसमें पेंसिल कैसे रखना है। ये देखिए मैंने, आपकी बिग साइज की पेंसिल है तो आप इस तरह से इस पेंसिल को ऐसे रख सकती हैं इसमें। ठीक है, ये देखिए आपने ऐसे पेंसिल रख दी है। इसके साथ साथ हम, छोटी हमारी पेंसिल है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस तरह से रख देंगे। ठीक है, ये आपने अपनी पेंसिल को रख लिया। ठीक है, इस तरह से आप सारी पेंसिल्स अपनी रख लेंगे। ओके, इसके बाद अब हम आपको स्केल बताते हैं कि स्केल के लिए हम कैसे क्या करेंगे। आपका ये स्केल है और इस स्केल को हमें रैप करना है, तो इसके लिए हमें पहले एक बार आपको रैप इस तरह से करना है। ओके, फिर आपको बकाया में फेविकॉल यहाँ पर लगाना है, जैसे कि
हमने ऐसे फेविकोल लगा दी है। चलिए इस तरह आपने स्केल को नाप लिया है और फेविकोल लगा के पेस्ट कर लिया है। तो अब हम स्केल को रख देंगे और इसमें फेविकोल लगा के आप इसको भी पेस्ट करेंगे, ठीक है। और पेस्ट करने के लिए हम कहाँ पर पेस्ट करेंगे इस चीज का ध्यान रखना है, क्योंकि हम जब यहाँ पर फोल्ड करेंगे तो हमें देखना होगा कि हमें फोल्ड कहाँ से मुझे करना है, तो वहां का स्पेस फिल नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा सा अंदर की साइड लगाएंगे इस तरह से। ये देखिए ऐसे हमने अंदर की साइड लगाया है, ठीक है। अब यहाँ पर हम लगाएंगे तो आसानी से मेरा ये क्या हो रहा है, फोल्ड हो रहा है ना, तो इस तरह से आपने लगा दिया। अब हमें बनाना है क्या, इरेजर स्टैंड। इरेजर हमें कहाँ लगानी होगी वो हमें सेट करना है, ठीक है। तो अब इरेजर लगाने के लिए भी तो हमको पेपर चाहिए होगा, और पेपर भी हमें कैसा चाहिए है, पेपर हमें देखना है कि ये देखिए ये इसी के नाप का आपका पेपर होना चाहिए। और इसी तरह आप रैप करेंगे और बकाया पेपर में आप क्या करेंगे, फेविकॉल का यूज करेंगे, ठीक है। ये देखिए ओके, और इसको आपने इस तरह से रैप कर दिया है। देखिए इस तरह से मैंने इरेजर का स्टैंड बना लिया है। अब इसमें हम नीचे की तरफ थोड़ा सा फेविकॉल लगाएंगे और इसको फिर हम इस तरह से पेस्ट कर देंगे, ठीक है। ये आपका इरेजर स्टैंड हो गया है। इसमें आप इरेजर रख सकते हैं, निकाल सकते हैं इस तरह से, ठीक है। तो अभी इसमें ग्लू लगा हुआ है, थोड़ा सूखने का इसको टाइम देते हैं, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पर एक बॉक्स बनाएंगे जिसमें हम अपना शॉर्पनर वगैरह रख सकते हैं, ठीक है। देखिए इस तरह से हमको ये पेपर की कटिंग करके लेना है, ठीक है। आपने देखिए इतना हिस्सा इस तरह से लिया और ये थोड़ा सा आपने लॉन्ग ले लिया, ठीक है। इसके बाद अब हमें इसमें क्या करना है, जहां से हमारी कटिंग है वहीं से हमें अंदर की तरफ फोल्ड करना है, और दूसरी साइड से हमें जहां से कटिंग है वहीं से सीधे फोल्ड करना है। बकाया आपका जितना भी ये हिस्सा बचा हुआ है इसको हमें कट करके हटा देना है। ये देखिए मैंने इसको हटा दिया है। इसके बाद जो ऊपर का हिस्सा है इसकी हमें नॉक्स हटा देनी है, ठीक है। ये नॉक देखिए इस तरह से हटा दी है मैंने, ठीक है। ये देखिए यहां से भी कट कर दिया है, यहां से भी मैंने कट कर दिया है। अब हमें फिर से इसको ओपन करेंगे और हम फेविकॉल लगाएंगे। कहाँ लगाना है फेविकॉल हमको, यहाँ पर लगाएंगे, ये अंदर की साइड हमारा जाएगा। ये देखिए ये मैंने इस तरह से इसको कर दिया है। अब हमें जैसे मैंने बताया था फोल्ड करना, वैसे ही हम फोल्ड करेंगे, यहाँ पर हम फेविकॉल लगाएंगे। ये देखिए इसके बाद इसको भी हम इसी तरह से फोल्ड कर देंगे। आपका ये रैप हो गया है। यहाँ पर हम एक सर्कल की तरह कटिंग कर देंगे। वो भी सर्कल कैसे बनाएंगे वो मैं आपको बता दे रही हूँ। आप अंदर की तरफ इसमें थोड़ी सी डिजाइन डाल देंगे, आपको देखिए आपको ये डिजाइन दिख रही होगी, ठीक है। तो इसकी हम थोड़ी सी कटिंग करते हैं। ये देखिए ये मैंने कटिंग कर दी है, ओके। और ये कटिंग कहाँ से करना है, दूसरी साइड से करना है, अपोजिट साइड से। यहाँ तो हम लोग पेस्ट कर चुके हैं ना, ये मैंने कर ली है। अब इसको हम यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर हम पेस्ट कर देंगे, ओके। आप लोग भी पेस्ट कर दीजिए, मैं भी पेस्ट कर देती हूँ। इस तरह से मैंने पेस्ट इसको कर दिया है, ओके। अब मैं अगली है डायरी, हम यहाँ पर डायरी लगाएंगे, ओके। देखिए इसमें आपको क्या करना है, मैंने आपको पेपर लिया है A4 शीट,
A4 शीट की आप कई पट्टियां इस तरह से काट लेंगे तो आप लोग डायरी बनाएंगे। तो डायरी कैसे बनाएंगे वो मैं आपको बता दे रही हूँ कि डायरी बनाने के लिए आपको वन फोल्ड इस तरह करना पड़ेगा और वन फोल्ड इस साइड से करना पड़ेगा। तो एक तरीका तो ये है और दूसरा तरीका ये है कि आप सीधी पट्टी लीजिए और इस तरह से आप फोल्ड कर दीजिए और इस तरह से फिर से फोल्ड कर दीजिए और फिर से फोल्ड कर दीजिए। तो ये आपके रैप हो गया है। ऐसे ही अगला पेपर आप लेंगे उसको भी आप इसी तरह से फोल्ड कर देंगे। ये देखिए ये भी आपने फोल्ड किया और ये भी आपने फोल्ड किया और देन ये ओके। अब ये जब फोल्ड हो गए हैं दोनों हिस्से तो हम इनको फिर पेस्ट भी हम करेंगे। तो कैसे करेंगे, ये आपने A1 हिस्सा लिया और वन पार्ट आपने इधर का भी ले लिया, ठीक है। इन दोनों में इसमें आप ग्लू लगाएंगे और इसको पेस्ट कर देंगे। ये देखिए मैंने लगा दिया है और इसको मैंने पेस्ट भी कर दिया, ठीक है। ये देखिए ये ज्वाइंट हो गया है आपका इसमें। अब हमें इसमें क्या करना है, वन फोल्ड आपको पीछे की तरफ, फिर आगे की तरफ, फिर पीछे की तरफ, फिर आगे की तरफ, फिर पीछे की तरफ, फिर आगे की तरफ फोल्ड करते जाना है, ठीक है। ये देखिए आप व्हाइट पेपर ले सकते हैं क्योंकि डायरी व्हाइट पेपर की ही होती है। मैंने आपको येलो पेपर में दिखा दिया है। आप कलरफुल बनाना चाहते हो तो आप कलरफुल भी बना सकते हैं, ओके। ये देखिए ये बन गया है। अब आप इसको खोलेंगे तो ये हमारे पेजेस तैयार हो गए हैं, ठीक है। इसके बाद इसके ऊपर का कवर भी होगा वो मैं आपको दिखाती हूँ, ठीक है। तो ऐसे ही मैंने व्हाइट पेपर की भी बनाई हुई है तो वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ये मैंने व्हाइट पेपर से फोल्ड करके रखा हुआ है। अब इसके ऊपर मैं कवर चढ़ा दूंगी और कलर का होगा कि सारी चीजें ही येलो हैं तो ये भी येलो ही होगा। तो इसका वन पेपर में मैं फेविकोल लगाऊंगी पीछे की तरफ जिसको हम इसमें पेस्ट कर देंगे, आगे की तरफ भी हम इस तरह से फेविकोल लगाएंगे और इसको इस तरह से पेस्ट कर देंगे। ये देखिए ये मेरी डायरी का कवर भी बन गया है और मेरी डायरी रेडी हो गई है। अब इस डायरी को हम यहाँ पर इस तरह तो पेस्ट नहीं कर सकते ना, क्योंकि डायरी तो हमें कभी भी जरूरत होती है तो हम इस डायरी को लेते हैं, हेल्प की जरूरत होती है। तो मैं एक पेपर लूंगी इस तरह से, ठीक है। ब्लू पेपर लिया मैंने, ऐसे फोल्ड कर लिया। अब फोल्ड करके हम यहाँ पर इसको पेस्ट कर देंगे। ये देखिए हमने ये पेस्ट कर दिया है। इसके बाद अब हमें इनके कॉर्नर्स थोड़े थोड़े काटने होंगे, चाहे आप सर्किल में भी इस तरह काट सकते हैं। अब हम इसको यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं जिससे कि हम यहाँ पर अपनी क्या कर सकते हैं, डायरी इसमें से अंदर डाल सकते हैं, ठीक है। ये देखिए ये आपका स्टैंड बन गया है। ये देखिए आपको मैं डायरी डाल के दिखा देती हूँ। ये देखिए ओके। अब यहाँ पर हम फेविकोल लगाएंगे और इसको भी हम यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, ओके। आप चाहे तो थोड़ा सा हम इसको पतला भी कर सकते हैं, यदि आपको लग रहा हो कि ये थोड़ा सा साइज बड़ा है तो इसको हम छोटा भी कर सकते हैं। दूसरी चीज है, अब हमको जैसी डायरी मैंने आपको बनाना सिखाई है वैसे ही हमने, मेरे पास एक पेपर था मैंने इसको भी फोल्ड किया है, लेकिन मैंने ये पेपर था मैंने इसको फोल्ड किया तो कैसे किया है, जैसे कि ये पेपर है, पेपर को मैंने नीचे से थोड़ा सा इस तरह से फोल्ड कर लिया है। बकाया हिस्सा मैंने क्या किया है, जैसे मैंने बताया था डायरी में फोल्ड करना है, इसी तरह मैंने इस डायरी को फोल्ड कर दिया है, एक आगे से एक बार पीछे से, फिर आगे से, फिर पीछे से फोल्ड करेंगे, फिर आगे से। इस तरह से आपकी ये सेकेंड डायरी तैयार हो गई है। लेकिन ये इस डायरी का यूज है कि यहाँ पर आप पैसे भी रख सकते हैं, अपने कोई कागज है, काम की चीज है आपकी, वो आप यहाँ पर रख सकते हैं। तो उसके लिए हमें यहाँ पर थोड़ा सा टेप लगाना होगा। क्या लगाना होगा, टेप।
कि जिससे ये पेस्ट हो जाए। ये देखिए मैंने लगा दी है और इसको मैंने ये देखिए ठीक है, इसको हम इसी तरह से पेस्ट कर सकते हैं इस तरह से ठीक है। तो हम इसके लिए इसको स्टैंड नहीं बनाएंगे, आप ऐसे ही इसको एज इट इज पेस्ट कर सकते हैं। यदि इसका भी स्टैंड बनाना हो आपको तो आप बना सकते हैं ओके। ये आपका आप यहाँ पर भी कुछ भी आप रख सकते हैं ठीक है। आपका ये रेडी हो गया है। इसके बाद हम थोड़ा सा इसको डेकोरेट करने के लिए आप स्टार्स वगैरह ये देखिए इस तरह से हम डेकोरेट करने के लिए इसको कुछ भी हम डेकोरेट कर सकते हैं ठीक है। जो आप कर सकें आप पास जो हो मटेरियल वो आप इसमें यूज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर कॉर्नर्स में यूज किया है ठीक है, ये ग्लिटर सीट थी हमारे पास वो मैंने यहाँ पर यूज कर दी है। जैसे कि मैंने इस कॉर्नर पे लगा दिया है और इस कॉर्नर पर भी हमने लगा दिया ठीक है। इसके बाद आप इस पर आपके पास ये देखिए फिर मैंने देखिए इस तरह से ये लगा दिए हैं। ये देखिए ये मैंने स्टिकर्स लिए हैं और इसमें मैंने स्टिकर्स लगा दिए हैं। देखिए डेकोरेट करने के लिए हम कुछ भी इसमें यूज कर सकते हैं ओके। चाहे आप स्टिकर यूज करिए या जो आपको करना हो आप वो भी यूज कर सकते हैं। कुछ भी कटिंग करके फ्लावर्स वगैरह भी आप लगा सकते हैं। तो ये हमने डेकोरेट कर लिया है, ये हमारी डायरी यहाँ पे ये हमारा बॉक्स तैयार हो गया है। अब इसके बाद इस बॉक्स को हम बंद करेंगे इस तरह। तो हम बंद जब करेंगे इस तरह तो हमें ऊपर से रैप करना होगा, इसको बंद करना होगा। तो बंद आप कैसे करेंगे वो हम आपको बता देते हैं। आपको एक पेपर लेना होगा, पतला सा पेपर आप कटिंग करेंगे ये देखिए इस तरह से मैंने ये पेपर को कट कर लिया है। इस पेपर को हम पीछे से रखेंगे इस तरह से ठीक है, और पेस्ट भी कर देंगे। तो यहाँ पर हम फेविकॉल लगाएंगे, लेकिन फेविकॉल सिर्फ इतने ही पार्ट में लगाएंगे, आगे के हिस्से में आपको फेविकॉल अभी नहीं लगाना है। आपको ये बीच में इस तरह रखना है और ये आपका आगे की तरफ अंदर की तरफ जाएगा, तब आप यहाँ पर पेस्ट कर देंगे इस तरह ठीक है। इसके बाद आप इसको यहाँ फोल्ड कर देंगे और जो ये देखिए इस तरह मैंने ये फेविकॉल लगा दी है, तो ये आपका यहाँ पर ये ठीक है। इसके बाद आपका ये गोल जो आपको ये पेपर लेना है इस तरह से ये पेपर होगा, इसको आप इस तरह से यहाँ पर फेविकॉल लगा देंगे। ये पेपर ले लेके इस तरह से फेविकॉल लगाएंगे और इसको यहाँ पर पेस्ट कर देंगे ठीक है। और ये हम यहाँ पर लगाएंगे जिससे कि आप यहाँ पर इसको डाल के ये देखिए इस तरह से मैंने इसको यहाँ पर लगा दिया है ठीक है। ये देखिए इस तरह से मैंने गोल सर्किल कर लिया है और यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया है। इसके बाद हम इसको इस तरह करेंगे और इसको आपको इसके अंदर डालना है ये देखिए ऐसे ओके। तो आप जब इस तरह डालेंगे तो आपका ये बॉक्स बंद हो जाएगा ठीक है। ये आपका बॉक्स बंद हो गया है। अब इसमें आप कुछ भी डेकोरेट कर सकते हैं अपने हिसाब से, आप इसको जितना खूबसूरत बना सकते हैं ऊपर से आप बना लीजिए। और ये देखिए बिल्कुल हल्का है, इसमें कोई भी वजन नहीं है। पेंसिल बॉक्स आपका बन के रेडी हो गया है। तो चलिए स्टार्ट करिए और इसको आप लोग भी बनाइए और इसको बहुत सुंदर सा डेकोरेट भी कर दें। देखिए इस तरह से आप डेकोरेट कर सकते हैं, ये देखिए इस तरह से आप भी डेकोरेट कर सकते हैं अंदर बाहर से ओके। चलिए आप लोग भी बनाइए और स्टार्ट करिए जल्दी से बनाना ओके। थैंक यू।